दोस्तों जहां आजकल जो है सरकारें डीजल इंजन को जो है बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें बस गाड़ी चाहिए तो डीजल इंजन के साथ ही चाहिए। वो टॉर्क, वो पावर का जो है मज़ा सिर्फ वो जो है डीजल इंजन के साथ में ही लेना चाहते हैं और SUV लेना चाहते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं के जो है ऊपर रहने वाली है, महिंद्रा की। अगर आप जो है यहाँ पर डीजल SUV में आना चाहते हैं, लगभग जो है 20 से 21 लाख का बजट है, तो आप जो है इसकी ओर आ सकते हैं। अब ये स्कॉर्पियो N तो है ही, आप कहेंगे इसमें क्या खास है, लेकिन ये वेरिएंट बड़ा खास है। ये है, आप पहले देखना फीचर के हिसाब से, फिर आपको मैं एंड तक बताऊंगा ये कौन सा वेरिएंट है। सबसे पहले इसकी जो प्राइसिंग है ये स्टार्ट जो है हो जाती है, सिर्फ दो वेरिएंट आते हैं इसमें, मैनुअल और ऑटोमेटिक। इसकी एक्सशोरूम लगभग 16,86,000 रुपये रहती है और इसमें पेट्रोल का जो है वेरिएंट नहीं आता है, पेट्रोल इंजन नहीं मिलेगा इस वाले वेरिएंट में। कई लोग समझ में गए होंगे Z6 वेरिएंट है ये, ना इसमें 4x4 आता है, सिर्फ मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑन रोड जाते जाते ये मैनुअल में लगभग जो है आपको जो है 20 या 30 हज़ार रुपये के आसपास देखने को मिलेगी, और ऑटोमेटिक में मान के चलिए लगभग जो है 22 लाख के आसपास जो है जाएगी। तो अब इसमें ऐसा क्या खास है, तो इसमें सबसे खास है इसकी पूरी बॉडी प्रोफाइल, जिसमें कि आपको हेडरूम अंदर जो है स्पेस इंटीरियर में अच्छा खासा मिल जाएगा। और उसके बाद है इसका इंजन, इंजन की बात करता हूँ, इस डीजल इंजन में क्या पावर क्या टॉर्क आपको जो है देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको जो है बोनट ओपन करूँगा, तो यहाँ से जो है अपने आप हैजार्ड लाइट इनेबल हो जाती है। तो पार्किंग वार्किंग में कभी बोनट खोल दिया आपने तो ये सेफ्टी फीचर्स काफ़ी जो है काम में आता है। अब इसका जो बोनट है अच्छा खासा भारी भरकम है, तो इसे उठाने में एक हाथ से बहुत बार सोचना पड़ता है। तो अगर आप इसे मैनुअल में लेते हैं तो लगभग, इंजन की बात करूँ, 2.2 लीटर का M-Hawk इंजन है। पावर आउटपुट जो है मैनुअल में 172 BHP का है, 370 Nm टॉर्क के साथ में। ऑटोमेटिक में टॉर्क आपका बढ़ जाएगा लगभग 400 Nm के आसपास। तो यहाँ पे ये चीज़ रहती है, डीजल इंजन है, काफ़ी अच्छा खासा जो है पावरफुल रहता है। अब एक तो इंजन की बात कर दी, अब यहाँ पे बॉडी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी खासी है, तो लगभग 4662 mm की पूरी जो है गाड़ी की लेंथ रहती है, और उस हिसाब से जो व्हील बेस दे रखा है इसमें लगभग 2750 mm का। तो इंटीरियर में हर एक रो में अच्छा खासा लेग स्पेस के साथ में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पीछे वाली जो है थर्ड रो में थोड़ा सा, अगर बॉडी प्रोफाइल अच्छी खासी है, लगभग जो है 6 फीट के आसपास है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 5'5" वाले 5'6" वाले दो बंदे शॉर्ट जर्नी में आराम से बैठ सकते हैं, अभी मैं बैठ के भी दिखाऊंगा यहाँ पे। और बाकी अगर मैं बात करी जाऊँ हाइट अच्छी खासी 1857 mm की मिल जाती, चौड़ाई 1917 mm की। अगर हट्टे कट्टे बंदे आगे गाड़ी चला रहे हैं ना, उन्हें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चौड़ाई गाड़ी की अच्छी खासी जो है ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी इसके बाद चलते हैं अभी इंटीरियर में, फ्रंट में जो है फीचर्स की बात करता हूँ। जो ग्रिल है यहाँ पे कुछ ऐसा जो है यहाँ पे फिनिश में देखने को मिलेगी, थोड़ा सा सिल्वर फिनिश में काफ़ी अच्छी लगती है, बीच में महिंद्रा का लोगो। ग्लॉस फिनिश कहीं नहीं है ब्लैक में। यहाँ पे लाइटों की बात करूँ तो लाइटें नॉर्मल हैलोजन में दे रखी हैं, लो और हाई बीम के लिए। इसमें LED भी लगवा सकते हैं या फिर पूरी चेंज कराना चाहें करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको आफ्टर मार्केट या महिंद्रा के शोरूम से जो भी आप जैसा करवाना चाहें वो करवा लेंगे। फॉग लैंप्स Z6 में नहीं आती हैं, तो आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगी। फ्रंट स्किड प्लेट मिल जाती है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा एक बम्पर में अच्छा लुक दे जाती है। साइड से आएंगे तो साइड से आपको जो यहाँ पे टायर है, यहाँ जो प्रोफाइल मिलती है यहाँ पे 245/55R17, तो 17 इंच वाले अलॉय महिंद्रा के जेन्युइन वाले लगाना चाहें लग सकते हैं। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक हैं, रियर में भी डिस्क ब्रेक दे रखी हैं, और यहाँ पे ये फुट स्टेप इसमें जो है लग जाता है, और साथ ही साथ जो है साइड क्लैडिंग्स इस ब्लैक कलर के साथ में इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है, तो सिंपल सी लगती है। बाकी ORBMs इसका ग्लॉस ब्लैक में आता है, इसी में इंडिकेटर दिया गया है। ऊपर आपका जो रूफ रेल है ये भी आपका जो है सिल्वर कलर में दे रखी है, जो कि काफ़ी सही लगती है। और जैसी ऐसी पीछे आएंगे तो आपको जो है शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा, पीछे जो है स्पॉइलर भी आ जाता है, रियर की जो है टेल लैंप्स कुछ ऐसी आपको जो है देखने को मिलेंगी, ये भी LED में लगती है जलते हुए काफ़ी प्यारी। और पीछे डिफॉगर और वाइपर वॉशर यूनिट, वाइपर और डिफॉगर आपको जो है देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पे पीछे जो है लैंप कुछ यहाँ पे रहती है, रिवर्स पार्किंग सेंसर है इसमें। कैमरा इसका जो है इसमें नहीं आता है, आफ्टर मार्केट लगाया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी क्वालिटी देखेंगे कैसी है। अब चलें जरा जो है इंटीरियर में, इंटीरियर में मैं इस तरफ से जाऊँगा। सबसे पहले थर्ड रो में
तीसरी रो में ही बैठ के दिखाता हूँ। और यहाँ से आप जो है डीजल फिल कराएंगे तो 60 लीटर की डीजल टैंक की कैपेसिटी है और साथ में यूरिया जो कि आप जानती हैं ये डलवाना डेफ पड़ता ही पड़ता है। तो अब देखो पीछे जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ से इस तरीके से जो है सीट टंबल करनी पड़ेगी जो कि कुछ एक ही बार में जो है आराम से जो है हो जाती हैं। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ तो यहाँ अगर मैं बैठ के दिखाऊँ तो कुछ यहाँ से बैठ चुका हूँ, अब थोड़ा सा घुटने और ऊपर आ जाते हैं अगर आप जो है पीछे बैठते हैं। और पीछे की मेरे ख्याल से सीट और जो है पीछे इतनी ज़्यादा जो है नहीं जाती हैं। और लेकिन जैसी थर्ड रो आती है तो यहाँ एक तरीके से बूट ख़त्म ही हो जाता है। तो 5'7" के अकॉर्डिंग कुछ इतना जो है हेडरूम 4 उंगलियों का तीसरी वाली रो में बचता हुआ देखने को यहाँ पर मिलेगा। बाकी यहाँ पे इस तरीके से पकड़ने के लिए कोई चार्जिंग को जो है पोर्ट तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है और एसी वेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे थर्ड रो में। तो कुछ ऐसी है थर्ड रो, तो मतलब एडल्ट्स बड़े लोगों के लिए तो है नहीं यहाँ पे थर्ड रो, नॉर्मल बच्चों के लिए, वो छोटे छोटे के लिए, उनके लिए जो है ये रो रहने वाली है। अब इसके बाद जो है ज़रा मैं चलता हूँ यहाँ पे सेकंड रो की बात करूँगा। तो सेकंड रो में जैसी आप आज जो है यहाँ पे आएंगे तो सेकंड रो अच्छी खासी जो है यहाँ पे स्पेसियस जो है देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे मैटिंग पूरी यहाँ पे लगा दी गई है, जा रही होगी गाड़ी है। तो रियर एसी वेंट, ये सेपरेटली जो है आपका यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी बीच में आपका जो है यहाँ पे आर्मरेस्ट कुछ ऐसा देखने को यहाँ पर मिल जाता है और फैब्रिक में सीटें रहती हैं यहाँ पे, तो फैब्रिक में जो है यहाँ पे आपको सीट कवर इसमें जो है लगवाने पड़ेंगे। बीच में हेडरूम अच्छा खासा जो है गाड़ी में है। और एक चीज़ काफ़ी सही लगती है कि यहाँ पे आपको रूफ़ लाइनिंग ये लाइट कलर में दे रखी है, एक छोटी सी सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ Z6 में आती है, तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। और बाकी ऊपर आपको जो है लैंप बीच वाली रो में कुछ ऐसी LED में दे रखी है। अब ज़रा चलें आगे फ्रंट में, ग्रैब हैंडल आपको जो है तीन साइड आपको देखने को मिलेंगे, ड्राइवर साइड में नहीं देखने को मिलता। चार पावर विंडो, लेकिन यहाँ पे हार्ड टच दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सिल्वर साटन फिनिश जो कि काफ़ी सही लगती है। 4 स्पीकर मिली जाएंगे इसमें यहाँ पर चारों दरवाज़ों में। आप जैसी आप फ्रंट में आते हैं तो फ्रंट में आपको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल RBM, चारों पावर विंडो मिलेंगी, हाइट एडजस्टेबल जो है यहाँ पे, ड्राइवर सीट आपको डंबल सपोर्ट भी आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। चाबी आपको जो है एक ही सेंटर, मतलब इसमें जो रिमोट वाले फंक्शन है एक ही वाली चाबी में देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे हेडलाइट की बीम एडजस्ट करने का इसे पकड़ के, क्योंकि देखो SUV वाला पूरा फील मिलना चाहिए, तो इसे जो है पकड़ के आप जो है अंदर आएंगे यहाँ से। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो कुछ यहाँ पे जो है कुछ ऐसा जो है पूरा इसका इंटरफेस रहता है इंटीरियर का, जो कि आपका जो है कॉफ़ी ब्राउन टाइप का जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और स्टेयरिंग जो कि मेरे को काफ़ी जो है यहाँ पे थिकनेस अच्छी खासी इसकी जो है दे रखी है। इसके बाद अगर बात करी जाए पूरा इंटीरियर, तो कुछ ऐसा है इंटीरियर मीटर कंसोल कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बीच में ये डिजिटल टाइप में है, बाकी RPM स्पीडो ये जो है एनालॉग में रहेगा। यहाँ पर जो है फ्यूल का, यहाँ पे टेम्परेचर का, और इसके बाद यहाँ पे ये स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एड्रेनॉक्स, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। हिल डिसेंट आपको ESP ड्राइव मोड, जिप जैप जूम वाले, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे बीच में आ जाएगा, जिप जैप जूम लिखा हुआ, ये सारे कुछ आपको देखने को मिलते हैं। आइडल स्टार्ट, SOS, साथ ही साथ जो है इस टाइप जिस तरफ का जो है यहाँ पे एयरबैग ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। USB चार्जिंग पोर्ट है आपका जो है यहाँ पे, ये चीज़ें दे रखी हैं। बैक कैमरा एक बार आपको दिखा दें जो लगाया गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं, मतलब चमक ही रहा है एक तरीके से, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही चमक रहा है। तो नॉर्मल सा जो है यहाँ पे बैक कैमरा लगाया गया, ऊपर डे नाइट IRVM, सनग्लास होल्डर, ये चीज़ देखने को मिल जाती है। सनरूफ यहाँ से आप खोल लेंगे इस तरीके से, लेकिन आवाज़ बड़ी कर रही है यार, ऐसी कुछ रहेगी। बाकी माइक देखने को एक यहाँ पे मिलता है, वैनिटी मिरर कहीं नहीं है, सन जो है यहाँ पे वाइजर्स पे। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है पूरे इंटीरियर में। बाकी 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है यहाँ पर दे रखा है, बीच में जो है यहाँ पे कप होल्डर्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और ये रहेगा Z6 वेरिएंट। तो अब आपको मेरे ख्याल से पता लग गया होगा, अगर आप जो है यहाँ पे एक डीजल SUV ले रहे हैं, लगभग जो है बजट 20
22 लाख के आसपास है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में ये आप 20 लाख के आसपास जो है इसे जो है ले सकते हैं। बाकी अब आप मेरे को बताएं, क्या जैसा कि टाइम गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डीजल इंजन को इतना ज़्यादा डीजल गाड़ियों को प्रमोट नहीं कर रही है, तो अब भी आप डीजल गाड़ी लेना पसंद करेंगे? लेकिन जो डीजल गाड़ी का मज़ा है वो इन्हीं का अलग ही रहता है, वो टॉर्क वो पावर आपको इन्हीं में मिलती है। बाकी आपको कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।